हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 11, मिस्टर नोबडी। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस। अब इसमें क्या बोला है कि मैं एक फनी लिटिल मैन को जानता हूँ, वो कैसे एकदम क्वाइट है माउस की तरह। हु डज द मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस, देयर इज नो वन एवर सीज हीज फेस। वो जो जिससे हर मिस्टेक होती है, हु डज द मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस, मतलब सबके घर में वो मिस्चीफ होती ही है ऐसी, और पर किसी ने भी उसका फेस देखा नहीं होता है। एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक बाय मिस्टर नोबडी। मतलब जो भी हम घर में, जब भी हमारी से कोई प्लेट व्लेट क्रैक हो रही है, तो वो भी किससे होती है, मिस्टर नोबडी से। मतलब हमने किसी को कभी देखा नहीं होता है। क्या किसी को कभी नोबडी दिखा है, मिस्टर नोबडी? नोबडी मीन्स कुछ नहीं, कोई नहीं। नोबडी मीन्स किसी को भी वो नोबडी, ये लिटिल मैन किसी को भी दिखा नहीं है। पर क्या है वो, कैसा है वो? एज क्वाइट एज अ माउस है। नेक्स्ट न्यू वर्ड्स एंड दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन अवर नोटबुक एक्सरसाइज, एंड दिस एक्टिविटी यू हैव टू डन योरसेल्फ। ओके, नाउ वी मूव टू अवर नोटबुक एक्सरसाइज। लेसन नंबर 11, मिस्टर नोबडी। न्यू वर्ड्स: फनी, नंबर 2 क्वाइट, नंबर 3 माउस, नंबर 4 अग्री। फनी मीन्स जो मजाकिया होता है वो, क्वाइट यानी बिल्कुल शांत, माउस चूहा, देन अग्री मीन्स किसी से हम कोई कुछ बात कर रहा है तो हम भी अग्री हैं कि हाँ ये मुझे सही लगता है, हाँ ऐसे। तो अग्री होना के साथ ब्रेक, टूट जाना, क्रैक हो जाना, मिस्चीफ मस्ती करना, एवरीबडी मीन्स सब, नोबडी मीन्स कोई नहीं। ओके, दीज आर दी न्यू वर्ड्स। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हु इज मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी कौन है? आंसर: मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटिल मैन। कौन है मिस्टर नोबडी? एक फनी लिटिल मैन है। नंबर 2, हैज एवरीवन एवर सीन मिस्टर नोबडी? क्या किसी ने नोबडी को देखा है? नहीं, नो, नोबडी हैज एवर सीन मिस्टर नोबडी। नो, किसी ने भी नोबडी को देखा नहीं है। इज देयर अ नोबडी इन योर हाउस? येस, देयर इज अ मिस्टर नोबडी इन माय हाउस। मींस नोबडी यानी कोई है ऐसे जो ऐसी मिस्चीफ करता है हमारे हाउस में? तो येस, येस देयर इज अ नोबडी इन माय हाउस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट राइमिंग वर्ड्स। नंबर 1, माउस हाउस। नंबर 2, नोबडी एवरीबडी। नंबर 3, फेस रेस। नंबर 4, एवर नेवर। नंबर 5, फैट कैट। आपको पता ही है कि राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो राइम कर रहे, साउंड सेम हो रहा है, जिनका राइमिंग हो रहा है वर्ड। देन वर्ड मीनिंग्स। नंबर 1, क्वाइट, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। क्वाइट, हम नहीं ऑर्डर्स देते कभी कीप क्वाइट मीन्स आवाज़ नहीं करो, चुप हो जाओ। तो विदाउट मेकिंग नॉइज मीन्स आवाज़ करे बिना, चुप रहना है। नोबडी मीन्स नो वन, कोई भी नहीं। देन नंबर 3, मिस्चीफ, ट्रबल कॉज्ड बाय समवन। मींस कोई, किसी ने कोई मस्ती की है, कुछ हंगामा मचा रहे, कुछ हो रहा है किसी से, तो ट्रबल कॉज्ड बाय समवन। नंबर 4, एवरीबडी मींस एवरी पर्सन, सब लोग। मींस कीप क्वाइट एवरीबडी, हम कहते हैं ना ऐसे, कीप क्वाइट एवरीबडी मींस सब लोग चुप हो जाओ। वो अग्री, हैविंग अ सेम ओपिनियन। ओपिनियन भी मींस यही होता है कि अगर कोई हमारा कोई आइडिया हमें बता रहा है तो वो सेम है, हाँ भाई हाँ ये सही बात है, ऐसे ही कर सकते हैं हम, सेम हमें होता है, तो भाई उसी के कहते हैं अग्री, हैविंग अ सेम ओपिनियन। देन लास्ट दिस इज अ मिसिंग लेटर, ब्रेक क्रैक अग्री। ओके, दैट्स ऑल विद दिस पोयम। थैंक यू स्टूडेंट्स।